सामान्य अध्ययन सेठ 33 अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय नीरजा भनोत मरणोपरांत 1987 है। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला नीरजा भनोत है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंट्रोड है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंट्रोड है। पवन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है। पवन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था।